उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में किसी न किसी कारण से माफिया की मौत या हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में 15 अप्रैल को हत्या के बाद हाल ही में लखनऊ में संजीव जीवा हत्याकांड हुआ, जहां कोर्ट कैंपस में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई थी। वहीं अब हरदोई जेल में बंद और यूपी के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट में शामिल खान मुबारक की मौत हो गई है। हिस्ट्री शीटर खान मुबारक लंबे समय से हरदोई की जेल में बंद था। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों के अनुसार उसे निमोनिया था और बीते कई दिनों से जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अम्बेडकर नगर का रहने वाला खान मुबारक कई बड़े शूटआउट में शामिल रहा है। उक्त रोगी का नाम खान मुबारक है। ये जिला कारागार हरदोई में इसका उपचार चल रहा था। इसको विभिन्न चिकित्सकों द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। आज सुबह यहाँ के एक्सपर्ट फिजिशियन द्वारा भी इसको एग्जामिन किया गया। उनके अनुसार इसको गंभीर निमोनिया दाहिनी तरफ थी, जिस कारण से इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। और यहाँ शिफ्ट करने के बाद में और इसको ऑक्सीजन वगैरह देने के बाद और तबीयत बिगड़ गई और इसको 4 बजे मृत घोषित कर दिया। मार्च 2020 में जिला कारागार हरदोई में खान मुबारक बंद था। जेल में पिछले काफी दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। कई बार उसे उपचार के लिए डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। करोड़ों की रंगदारी वसूलने और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में शूटआउट करने में खान मुबारक का नाम सामने आया है। फिलहाल उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद मौत की वजह सामने आएगी। हरदोई जिला जेल में बंद खान मुबारक की मौत हो गई है। हरदोई के जिला अस्पताल में उसे गंभीर स्थिति में लाया गया था, लेकिन हरदोई के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। खान मुबारक माफिया किस्म का इंसान था, उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। और क्या उसकी हिस्ट्री थी, इसके विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, क्या हिस्ट्री थी इसकी खान मुबारक की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दस्तावेजों में दर्ज अगर खान मुबारक की बात करी जाए तो बेहद संगीन अपराधी था, प्रदेश का कुख्यात अपराधी था। और क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी जो है वो स्टूडेंट लाइफ से शुरू होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस वक्त ये पढ़ाई कर रहा था, बताया जाता है क्रिकेट खेलने के दौरान जब अंपायर ने इसे रनआउट घोषित कर दिया तो उसने अंपायर के गोली मार दी, जिसके बाद से ही जराइम की दुनिया में इसका जो है आना जाना हो गया और ये तगड़े तरीके से जुराइम की दुनिया में बढ़ता चला गया। अब इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ छोटा राजन के साथ मिलकर इसने उसके खिलाफ एक गैंग बनाया था। जफर सुपारी जो इसका भाई है, वो भी अंडरवर्ल्ड का डॉन है। तो बड़ा ही अपराधी था। अम्बेडकर नगर हो चाहे महाराजगंज हो, यहाँ पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसी तमाम घटनाओं को इसने अंजाम दिया। जेल में बैठ कर ये रंगदारी और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देता था, ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो FIR है उसमें लिखा हुआ है। अभी पिछले साल ही बताया गया कि इसको जून में यहाँ शिफ्ट किया गया था और अब पुलिस का कहना यह है कि बीमारी के चलते इसकी मौत हो गई। जुर्म की दुनिया में कुख्यात अपराधी का नाम काफी जोरों से चल रहा था किसी जमाने में, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। जफर सुपारी का छोटा भाई खान मुबारक यूपी के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। खान मुबारक पर उत्तर प्रदेश में कई जिलों के पुलिस थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, वसूली और गैंगस्टर समेत तमाम संगीन धाराओं में 44 मुकदमे दर्ज थे। सबसे चर्चित मामला था कि क्रिकेट मैच के दौरान जब अंपायर ने उसे आउट करार दे दिया तो उसने उसे गोली मार दी। साल 2012 में महाराजगंज के टांडा तहसील के बहुचर्चित भट्टा व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर कारोबारी की हत्या कर से माफिया खान मुबारक चर्चा में आया था। माफिया खान मुबारक अपने बड़े भाई की तरह अंबेडकर नगर में अपराध की दुनिया में आया था। अंडरवर्ल्ड डॉन खान जफर का भाई खान मुबारक ने डॉक्टर और कारोबारियों को रंगदारी के लिए निशाना बनाया। बताते चले कि खान मुबारक के आपराधिक इतिहास के पीछे उसका बड़ा भाई भी बहुत मायने रखता है। खान मुबारक का बड़ा भाई जफर सुपारी अंडरवर्ल्ड का नामी बदमाश रहा। खान मुबारक पर करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं और पहले वो फैजाबाद जेल में रहा, लेकिन अब वो हरदोई जेल में बंद था। यूपी सरकार बीते कई सालों से खान मुबारक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।